चौकीदार ने लाल बत्ती उतरवाई और गरीब के घर में बत्ती जलाई है। देश की साख रहे इसके लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में और फिर 2017 में ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने देश का बहुत नुकसान किया। याद करिए, पश्चिम यूपी में पहले गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अपराधियों को खुली छूट मिल गई थी। गुंडागर्दी हो, बिजली की समस्या हो, खराब सड़कें हो, ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहां उद्योग लगाने से लोग डरते थे। स्थिति को बदलने के लिए, निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए एक ईमानदार कोशिश की जा रही है। शामली में किराना का वो मॉडल, जब घरों पर दुकानों पर कब्जे वाले गिरोह खुले आम गुना करते थे, पलायन के वो दिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बुआ बबुआ भुला सकते हैं, लेकिन आप भुला सकते हो क्या? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अब पलायन और भय का वो दौर बंद हो चुका है। चौधरी अजीत सिंह ने तो इस स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चुप रहे और आज भी अपने स्वार्थ के लिए वो इस क्षेत्र में आप पर हुए अत्याचारों को भूल गए। छोटे चौधरी तो उनसे भी आगे बढ़ गए, जिन लोगों ने उन्हें इतना सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उनके प्रति ऐसी भाषा। हमेशा राष्ट्रहित के लिए, किसान हित के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी आत्मा जहां भी होती होगी ये सुन करके उनको कितना दुख होता होगा। यहां तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी है और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की और आपके इस सेवक की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस ने पहाड़ को पलायन से जोड़ा, हम पहाड़ को पर्यटन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, मिडिल क्लास को धमकाया है, धमकाया। उन्होंने तो यहां कह दिया, मिडिल क्लास स्वार्थी है, मिडिल क्लास लालची है और सिर्फ मिडिल क्लास खुद का ही भला सोचता है। आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठा करके ले आया था। मैं मीडिया में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है, उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल,
और एफएम का मतलब है फैमिली। ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है आपको पता चल गया? मैं भी